कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहना हास्यास्पद है, इस तरह से बयान देते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनुराग ठाकुर की जमीन खिसकती जा रही है, जिसके कारण अनुराग राष्ट्रीय नेताओं पर बयानबाजी कर रहे हैं। हमीरपुर में सुक्खू इस तरह पलटवार करते हुए नजर आए हैं। वहीं उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर पर भी चुटकी ली, कहा कि सीएम की कुर्सी डगमगाते देख जयराम की जुबान बार बार फिसल रही है। इस तरह से वे जयराम ठाकुर पर चुटकी लेते हुए नजर आए हैं। सुखविंदर सुक्खू, कुर्सी जाने का डर सता रहा है। हमीरपुर में सुक्खू ने इस तरह बयान दिया है। अनुराग ठाकुर के बयान को हास्यास्पद बताते हुए नजर आए हैं सुखविंदर सुक्खू। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर पर भी चुटकी लेते हुए नजर आए हैं, बयान दिया कि कुर्सी जाने के डर से फिसल रही है जुबान। इस तरह से बयानबाजी की है सुखविंदर सुक्खू ने। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय दबाव में काम कर रहे हैं, कहीं उन्हें को अपनी कुर्सी का खतरा तो नहीं नजर आ रहा है, तभी वो ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के प्रति कर रहे हैं। मुझे लगता है जो उनके शुभचिंतक दिल्ली में बैठे हैं वो उनकी कुर्सी को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रयास में जहां मुद्दों पर बात होनी चाहिए, प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार मिला, देश में कितने लोगों को रोजगार मिला, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री दबाव में काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी कुर्सी का खतरा सता रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से जसवीर सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद हैं। जसवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सुखविंदर सुक्खू इस तरह से क्यों बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं तो आपको बता दें कि जो ये चुनावी यहाँ पे बयानबाजी है वो तेज हो गई है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। आपको बताएं कि सुखविंदर सुक्खू ने भी अपना जो प्रचार अभियान है वो तेज कर दिया है कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में। और ये जो बयानबाजी की बात है तो आपको बताएं कि जो सीएम ने अभी पिछले दिनों दो दिन तीन दिन पहले हमीरपुर दौरे पे आए थे तो उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर काफी बयानबाजी की थी, तो इसी का उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम को अपनी कुर्सी की चिंता करनी चाहिए, उनको मंडी सीट जिताने के फोकस करना चाहिए, ना कि कांग्रेस पर बयानबाजी करें। तो आज जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का यहाँ पे दौरा था तो उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर पर भी काफी तीखे प्रहार किए, तो साथ में जो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर उनके ऊपर भी काफी तंज कसे हैं। तो कुल मिला के ये जो राजनीतिक बयानबाजी का दौर है, ये जो चुनाव है इसके मद्देनजर किए जा रहे हैं। जी जसबीर, जहां तक देखा जाए तो अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर पर चुटकी ली है, क्या उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया दी है? आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर का यही कहना था कि जब पिछले कल उनसे हमने पत्रकारों ने बात की तो उनका एक बयान था कि उन्होंने बयान में कहा था कि जो उनके राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो उनके उनके ऊपर में चुटकी ली थी। अनुराग ठाकुर का कहना था कि वो खुद ही, उनका कहना है कि कांग्रेस का कि वो खुद नहीं जीत पाएंगे इस बार देश में, और इससे तो अच्छा है कि वोट काटे हैं बीजेपी की। और अनुराग ने ये भी कहा था कि कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी बन गई है। इसी के ऊपर अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंज कसा है कि अनुराग को मुद्दे वो उनको याद नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस में उनके ऊपर वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिला के सुक्खू का भी पलटवार हुआ है अनुराग ठाकुर पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर तमाम जानकारी के लिए।